हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैनकोड ईसीएस T10 मिलन की, जो कि मैच होगा यहाँ से फ्रेश टॉपिकल वर्सेस मिलन यूनाइटेड के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रांड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इस YouTube चैनल पर कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ मिलेंगे आपको झारखंड T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ बुखातिर T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, इसके साथ साथ झारखंड T20 के बाद यहाँ से पौंडुचेरी वुमन T20 शुरू होने वाला है तो उसके मैचेस के भी वीडियो मिल जाएंगे, और बुखातिर T20 के बाद बुखातिर T10 शुरू होने वाला है। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 12 बजे मिलन क्रिकेट ग्राउंड मिलन इटाली में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हो न्यूट्रल और बैलेंस है, लेकिन बॉलर अच्छा कर रहे हैं तो इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए टीम बनाएगा, बाकी 90 से 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर FT की, तो यहाँ से जैन नकवी और आमिर शरीफ दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। देखो बैटिंग ऑर्डर उनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि हो सकता है मोहम्मद इमरान भी यहाँ से ओपनिंग आ सकते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। और वैसे भी देखो ज़्यादातर अभी प्लेयर्स के स्टैट मिले नहीं है, तो ये जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है और जो भी यहाँ से टॉप ऑर्डर में जो भी दिखेगा, इनके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। बात करें ऐसे जैन नकवी और आमिर शरीफ दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, दोनों की बैटिंग एवरेज काफ़ी अच्छी है। नकवी अभी तक 18 मैचेस के लिए जहां पर करीबन 30 की एवरेज से 414 रन है, साथ में 8 विकेट भी निकाली हुए 13 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो ज़्यादातर गेंदबाजी करवाते नहीं, लेकिन जब भी गेंदबाजी करवाएंगे तब एक आधी विकेट जरूर निकालेंगे। तो यहाँ से नकवी एज अ प्लेयर हमारी टीम के अंदर डेफिनेटली रहना चाहिए, इवन यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के चॉइस के लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए। बाकी आमिर शरीफ की बात करें तो 35 मैच खेले जहाँ पर करीबन 30 की एवरेज से 874 रन है, 33 विकेट निकाले हुए, 53.4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो हर एक मैच के अंदर लगभग पूरी ओवर्स करवाता हुआ नजर आएगा। तो ये बंदा आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए, आमिर शरीफ। आई थिंक शायद मैं खुद अपनी स्मॉल लीग की टीम के अंदर यहाँ से आमिर शरीफ को अपने कैप्टन बना के जा सकता हूँ। मोहम्मद इमरान ने 9 मैच के अंदर करीबन 32 की एवरेज से 256 रन किए, ओवर्स ज़्यादा करवाते नहीं, एक आधी ओवर्स करवा सकते हैं, ज़्यादातर विकेट टेकिंग कैपेसिटी भी इतनी कुछ खास नहीं है। 9 मैच के अंदर 8 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट निकाले हुए, तो हर एक मैच के अंदर लगभग एक आधी ओवर्स करवा सकते हैं, तो ये भी डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। बिलाल हमीद एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, हर एक मैच के अंदर 2 ओवर्स पूरी करवाते हुए नजर आएंगे, 18 मैचेस के अंदर करीबन 32 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट निकाले और यहाँ से 112 रन किए करीबन 19 की एवरेज से। यहाँ से देखो राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी है, यहाँ से डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी के लिए आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इस बॉलर के ऊपर आप अपना फोकस रख सकते हो, इवन इसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, तो ऐसे ये जो भाई साहब है यहाँ से सामने वाली टीम को कॉलेप्स वगैरह करवा सकते हैं, तो यहाँ से बिलाल हमीद को ऊपर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। बाकी असीम अली 13 मैच के अंदर करीबन 14 की एवरेज से 108 रन है, 13 विकेट है, तो ये भाई साहब भी अपनी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। तो ये टॉप के जो पांचों प्लेयर हैं जैन नकवी, आमिर शरीफ, मोहम्मद इमरान, बिलाल हमीद और यासे असीम अली, तो ये पांचों ही प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। बाकी यहाँ से बात करें हसन जमील की, तो 17 मैच के अंदर करीबन 14 की एवरेज से 125 रन किए, राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ यहाँ से राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करवाते हुए नजर आएंगे, तो ये सारे प्लेयर्स को अभी आपको डिफरेंशियल वे में या फिर ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है। महर्ष जावेद ने 17 मैच के अंदर करीबन 9.33 की एवरेज से 112 रन किए हुए, और एक ये अच्छी चॉइस बन सकती है आपके लिए सुलेमान हकीमी, 18 मैचेस के अंदर 20 विकेट है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, 18 मैच के अंदर 20 विकेट करीबन 32 ओवर्स की गेंदबाजी करते हो, तो ये भाई साहब भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए। यहाँ से देखो बॉलिंग पे इनकी काफ़ी तगड़ी है, ऐसे हकीमी ने 18 मैच के अंदर 20 विकेट निकाले, सिकंदर अब्बास ने 9 मैच के अंदर 13 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट्स निकाले, तो ये आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। इवन यहाँ से जाहिद चीमा की बात करो तो 24 मैच के अंदर 21 विकेट है करीबन
45 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, ये भाई साहब भी आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। बाकी डिफरेंशियल वे में बात करूँ तो यहाँ से हसीब अब्दुल आपकी टीम को यहाँ से एडवांटेज दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो इनको आपको रिस्की मैच टीम बनाते हो तभी आपको शामिल करना है, ग्रैंड लीग वगैरह में शामिल करना है। बाकी बेंच से इतने सारे प्लेयर्स के तो स्टेट्स हैं नहीं, लेकिन इनमें से अगर कोई खेलेगा तो इनके स्टेट्स मैं आपको टेलीग्राम में पहुँचा दूंगा। बाकी ये सारे प्लेयर्स में से अगर कोई अपडेट मिलती है तो इनकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में जरूर ऐड कर लूँगा। तो जल्दी से जाके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी बात करते हैं हम लोग यहाँ से टीम एमयू की, तो यहाँ से योमेंद्र सुरेश और यहाँ से नीलेथी रोशन दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। और इस टीम की बात करो तो यहाँ से ये दोनों ही जो प्लेयर्स है, ये दोनों प्लेयर्स के ऊपर ही पूरी टीम टिकी हुई है, सॉरी ये तीनों प्लेयर्स के ऊपर ये टीम पूरी टिकी हुई है। तो ये तीनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ऐसे योमेंद्र सुरेश जो कि 3 मैच का ना करीबन 25 की एवरेज से 73 रन किए, 3 विकेट निकाले, 6 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। बाकी नीलेथी रोशन 3 मैच के अंदर 57 रन है, 2 विकेट है, 4.2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हैं, हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा सकते हैं। तो ऐसे नीलेथी रोशन आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है, इवन बैटिंग से भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बात करें ऐसे थरीडू हेसम की, तो 2 मैच के अंदर 43 रन किए हुए, 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी निकाली है, तो ये प्लेयर्स भी आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकता है। अभी देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ से थरीडू हेसम और यहाँ से योमेंद्र सुरेश, ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए इस टीम की बात करूँ तो आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकते हैं। बाकी सिहन परेरा 3 मैच के अंदर 29 रन है, तो ओके रहेंगे। बाकी सिहन तिशेरा की ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो कहीं पर मिले नहीं, अवेलेबल है नहीं, लेकिन विकेट कीपिंग करवा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ऐसे इनको मेंशन किया हुआ है। बाकी स्टीफन जयाशेखरा 3 मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, 6 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा सकते हैं, तो इनको डेफिनेटली आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ईशान जयाकोड़ी तो जो कि मालदीव के प्लेयर्स है, 3 मैच खेले जहाँ पर 2 विकेट निकाले, T20 के रिपोर्ट्स हैं इनके, तो आई थिंक शायद हर एक मैच के अंदर 1-2 ओवर्स करवा सकते हैं। ऐसे जयाकोड़ी को डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी संजीवा एक अच्छी पिक बन सकते हैं, इस टीम की बात करूँ तो 17 मैच के अंदर 18 विकेट निकाले हुए, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी डीनमुका ने 3 मैच के अंदर 7 रन किए, तो ये सारे प्लेयर्स तो आपको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे। इरुन फर्नांडो को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, श्रीलंकन बेस्ड प्लेयर है, देखो ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो कहीं पर मिले नहीं, लेकिन राइट आर्म स्पिन गेंदबाजी करवा लेते, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते, तो इनको डिफरेंशियल वे में यहाँ से ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो यहाँ से हिरुन फर्नांडो को आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी बेंच से अगर कोई खेलता है तो इनके स्टेट्स में आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से एस परेरा के साथ जाएंगे, बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक है। बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे मैंने वाई सुरेश, एस जयाशेखरा और ऐसे आई जयाकोड़ी को लिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस ठीक ठाक है, लेकिन हमारे पास ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा ऑप्शंस होने के कारण सामने वाली यानी कि FT टीम के मैंने ज़्यादा प्लेयर लिए, क्योंकि मुझे लगता है तब तक के लिए आज की मैच के लिए FT टीम थोड़ी सी हावी पड़ सकती है ऐसे MU के ऊपर। ये ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद इमरान, यहाँ से ए शरीफ, जेड नकवी और टी हैसन को लिया। देखो यहाँ से 2 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर्स के ऊपर आपको रिस्क लेना है, 2 प्लेयर्स के ऊपर अगर आप ले सकते हो तो ऐसे ए अली और या से एन रोशन, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन से खेलते हो जहाँ पर आप लोग या से 5-6 ऑलराउंडर को ले सकते हो, तो ये दोनों ही प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर डेफिनेटली रहने चाहिए। तो ऑलराउंडर सेक्शन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहने वाली है आपको। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे एस अब्बास है, एस अब्बास के साथ मैंने ऐसे बी हमीद और जेड चीमा को पिक किया हुआ है, बाकी अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। हसीफ वगैरह को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि सिलेक्शन वाइज सेफ जाना चाहो तो आपको सिलेक्शन वाइज जो है प्लेयर्स को चूज़ करना है, लेकिन हम लोग हमेशा के लिए आपको मालूम है कि हम लोग स्टेटिकल के हिसाब से ही टीम बनाते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बात करूँ तो यहाँ से कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे ए शरीफ, और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो जेड नकवी हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। एक ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ से टी हैसन को ट्राई कर सकते हैं आप लोग एज अ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर, अगर MU की तरफ से टीम बना रहे हो तो ऐसे वाइस सुरेश, तो ये दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क लेना हो तो। बाकी इसी टीम की बात करो तो डिफरेंशियल वे में एम इमरान भी एक आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है, अगर एम इमरान की जगह पर आप लोग ऐसे ए अली को लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये प्लेयर्स भी बैटिंग के साथ साथ तो बॉलिंग भी करवाएगा, लेकिन मोहम्मद इमरान ओनली बैटिंग ही करवाएंगे, बॉलिंग ज़्यादातर करवाते नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद रही ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी
से डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपल आपको इसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको जो मिलेगा वो सीधा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।